हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर 65 रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसे घर पर ही आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। पनीर को आप स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर शेप में किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे मैदा 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून, इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हुए थिक पेस्ट बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से थिक पेस्ट बना लीजिए। अब इसमें पनीर के पीस को डालकर इसे कोट कर लेंगे। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हीट हो जाए तो उसमें पनीर के पीस को कोट करके डालें। बहुत क्राउड नहीं करना है, एक दूसरे से अलग अलग रखें जिससे वो चिपके नहीं। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। ये देखिए, पनीर फ्राई हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब पहले मैं पनीर को आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आवाज़ देखिए इसकी, बहुत ही क्रिस्प बनी है। इसी तरह सभी पनीर को फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन लें, उसमें ऑयल डालें 2 से 3 चम्मच और इसे हीट होने दें। ऑयल जब हीट हो जाए तो इसमें डालें गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्च और इसे लाइट फ्राई कर लें। अब इसमें डालें करी पत्ता, क्यूब्स में काटा हुआ अनियन, शिमला मिर्च, इसे लाइट फ्राई करेंगे। सूखी हुई लाल मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालें और इसे भी साथ में फ्राई कर लें। अब इसमें डालें चिली सॉस 2 से 3 चम्मच, टोमेटो सॉस 1 चम्मच, नमक, चीनी 1/2 चम्मच। इसे मिक्स कर लें और लाइट फ्राई करें, ओवर कुक नहीं करना है। अब एक बाउल में 1/2 कप दही लेंगे, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसे मिक्स कर लें। इसे पैन में डाल देंगे और इसे मिक्स करें। इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें, यह ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करें और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। ये देखिए, फ्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, बॉयल होने दें। इसमें ब्लैक पेपर क्रश करके डालेंगे 1/2 चम्मच, मिक्स करें। अब इसमें पनीर के पीस को डाल देंगे
इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। ये देखिए पनीर 65 बनकर तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे। इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इसे धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। ये रहा रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर 65। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी है। इसे आप ही घर पर बनाइए और सभी को खिलाइए। सभी को बहुत पसंद आएगा। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।